अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने में दिलचस्पी दिखाई है। ट्रंप ने एक अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, कश्मीर एक जटिल स्थिति है। इस स्थिति का धर्म से भी संबंध है। आपके पास हिंदू हैं और आपके पास मुस्लिम भी हैं। यह दशकों से चला आ रहा है। इसे सुलझाने के लिए मैं मध्यस्थता कर सकता हूँ या फिर कुछ और बेहतर। पहले भी मध्यस्थता की बात कह चुके हैं ट्रंप। इससे पहले भी कश्मीर मसले पर मध्यस्थता की बात कह चुके हैं। 22 जुलाई को पाक प्रधानमंत्री इमरान खान के अमेरिका दौरे पर ट्रंप ने कहा था कि मोदी 2 हफ्ते पहले उनके साथ थे और उन्होंने कश्मीर मामले पर मध्यस्थता की पेशकश की थी। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर ट्रंप के दावे को गलत बताया था। सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप ऐसी कोई बात नहीं हुई। भारत अपने निर्णय पर कायम है। पाकिस्तान के साथ सारे मसले द्विपक्षीय बातचीत के जरिए ही हल किए जाएंगे। इसके बाद 2 अगस्त को एक बार फिर रिपोर्टर्स के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा था कि अगर भारत पाक चाहेंगे तो उन्हें मध्यस्थता करके खुशी होगी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद भारत पाक के साथ लगातार संपर्क में है ट्रंप। इससे पहले रविवार को ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। मोदी ने ट्रंप के साथ बातचीत में कहा था, सीमा पार आतंकवाद को रोकना और आतंक व हिंसा से मुक्त माहौल बनाना क्षेत्र के लिए जरूरी है। उन्होंने ट्रंप से अफगानिस्तान के विषय पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत एकजुट, सुरक्षित और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान के निर्माण के लिए लंबे समय से प्रतिबद्ध है। इसके बाद ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से फोन पर बात की। ट्रंप ने इमरान को सलाह दी कि पाक भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी से बचे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात पर इमरान को भारत के साथ तनाव कम करने के लिए भी कहा। ट्रंप और इमरान के बीच 1 हफ्ते के अंदर दूसरी चर्चा थी। इससे पहले भी ट्रंप ने इमरान को सलाह दी थी कि कश्मीर पाक और भारत का द्विपक्षीय मुद्दा है और इस पर किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए भारत से अपनी तरफ से बात शुरू करें।